नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे वाटर कैंपर का डिज़ाइन बनाना। ठीक है, डिज़ाइनिंग ऑफ वाटर कैंपर। तो सबसे पहले स्केच प्लेन राउंड 200 फिनिश। Route, वेक्टर जिस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना हो ये 200। ओके, this from center and go to sketch सेंटर join this finish now revolve this sketch connected curve define vector specify point Unite this extrude this make radius red curve unite with this
अब हम इसको बॉटम सपोर्ट के लिए बनाएंगे। सबसे पहले कलर डिफाइन कर देता हूँ, कंट्रोल जे सॉलिड, एक मिनट, -30 नीचे एक स्पॉट बनाएंगे हम। हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, कनेक्टेड कर्व लेना है, नहीं तो मैं बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा एक एक कर्व। बेसमेंट अपर साइड, को सेल कर देंगे दोस्तों। इसको पैटर्न पैटर्न ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे, सर्कल काउंट 3 120, ओके, हम इसको यूनाइट कर देंगे।
हाइड कर देंगे। इसको भी सेम कलर दे देंगे। कंट्रोल जे फेस सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ इनहेरिट में जाके ये सेम फेस, ओके सेम कलर आ गया। अब वापस स्केच में जाएंगे। सिंगल कर्व सेंटर लाइन, सॉरी सेंटर लाइन, ओके। ये कर्व ठीक नहीं आ रहा तो यहाँ दोबारा कर्व बना देंगे हम दोनों को पकड़ के। ठीक है, ओके। यहाँ रेडियस भी दे देते हैं 50, 50 का रेडियस दोनों तरफ। ओके, मैंने ट्यूब की कमांड सिखाई थी आपको, आप ट्यूब से भी बना सकते हैं ये। लेकिन ट्यूब से बना नहीं, ट्यूब अच्छी नहीं लग रही दोस्तों, तो हम उसको स्क्वेयर से बनाएंगे। स्वेप्ट कमांड सिखाता हूँ आज आपको। स्वेप्ट कमांड के लिए पहले स्केच लेना। स्केच से पहले आप डाटम प्लेन बना लो, यहाँ पॉइंट एंड डायरेक्शन लेके ओके। ऑप्शन और भी है दोस्तों, लेकिन आज स्विफ्ट कमांड सिखानी है इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ये तो आप एक्सट्रूड करके थिकन करके भी बना सकते हो इसको। फिनिश, लेट हम हाइड करेंगे। सरफेस कनेक्टेड कर, टेंजेंट कर, ओके हाइड कर देंगे दोस्तों। कर देंगे यहाँ से थोड़ा,
या प्रिजर्व सेफ ऑन रखना है। मेरे को ये थोड़ा एंगल में लग रहा है, तो मैं ड्राफ्ट इसका ओके कर दूंगा। ओके पॉइंट एंड डायरेक्शन की जगह आप प्लेन भी ले सकते हो, क्योंकि हमने इसके सेंटर में बनाया है। दोस्तों सबको यूनाइट कर दोगे आप। यहाँ रेडियस दे दोगे, को हाइड कर दूंगा। और इसको भी कलरिंग कर दूंगा, कंट्रोल जे फेस फेस सेलेक्ट कर दूं। हेल्प में जाके ओके। अब हमें वाटर आउटलेट का बनाना है दोस्तों। तो उसके लिए सेम स्केच में जाओगे, स्केच लोगे, करोगे स्केच। इसको आप इसके साथ रिप्लेस करवा। किचन सेंटर पकड़ के
यहाँ पे फिर से स्केच, यूनिट कर दो। इसको थोड़ा और सेट कर दो। स्केच हाइड कर दो। दोस्तों यहाँ भी ड्राफ्ट दे देंगे। इसको सेट कर देंगे। इसको यूनाइट कर देंगे इसके साथ। इसे यूनाइट है। बटन को हिट कर लेंगे तो ये देखो दोस्तों हमारा वाटर कैंपर रेडी है। सिंपल सेव कर देंगे। ठीक दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू।